और खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से है, जहां पर सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। लेकिन इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि मुठभेड़ में सेना के दो जवान नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह शहीद हो गए हैं, जबकि दो जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जानकारी मिल पा रही है कि किश्तवाड़ में दो आतंकियों के छिपे होने की खबर है। उसके बाद से सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया और दोनों आतंकियों को घेर लिया गया है। खुद को घिरा देखकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग यहां पर शुरू कर दी, जिसमें सेना के दो जवान शहीद हो गए हैं। और कोमल हमारी सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रही है। कोमल, अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए मोनिका, अभी तक रात का अंधेरा है, लेकिन फिर भी सर्च पार्टी जो है, एसओजी की टीम और आरआरपी जो भारतीय सेना के जवानों की जो टीम है, वो भी इलाके में है। घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, ये पिंग नाला छात्रू इलाका है किश्तवाड़ का। और ये 4 बजे के करीब एक घात लगाकर आतंकी जो है एक ढोक में छुपे हुए थे। सर्च पार्टी जो है वो घने जंगलों में रहती है, पीएम का दौरा भी था, और ऐसे में खास चुनावों के दौरान भी तो पूरे जो जंगल है किश्तवाड़, डोडा, छात्रू, इंद्रवाल, ये जो इलाके हैं, ये एसओजी के जवानों और भारतीय सेना के जो जवानों द्वारा जो है सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था। ऐसे में जो छुपे हुए आतंकी जो ढोक का अक्सर सहारा लेते हैं, उन्होंने ढोक से ही अंधाधुंध फायरिंग जो है भारतीय सेना के जवानों पर की। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना के जवानों ने भी फायरिंग की, लेकिन यहाँ बड़े बेहद दुख की बात है कि दो जवान हमारे शहीद हो गए और दो जवान घायल हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और वहीं से किश्तवाड़ से एयरलिफ्ट किया उनको जम्मू उधमपुर अस्पताल में, और उधमपुर में आर्मी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। और इस इलाके में सर्च जारी है, ये भी कहा जा रहा है कि दो जो आतंकी हैं उस इलाके में छुपे हुए हैं, जल्दी उन्हें भी निस्तनाबूद किया जाएगा। जी मोनिका। कोमल, कितने आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है? देखिए मोनिका, जिस तरीके से फायरिंग की जो फायरिंग आई थी वहां से सामने से, तो लग रहा था कि जो खबर आई है कि दो आतंकी उस इलाके में थे और दो घने जंगलों में, तो जो ढोक में दो आतंकी छुपे थे उन्होंने ही अंधाधुंध फायरिंग की है 4 जवानों पर, और जवानों की टीम और भी ज्यादा थी, लेकिन जब पहाड़ी चढ़ रहे थे और ये दिन का तब रोशनी थी और उस टाइम उन पर फायरिंग हुई है, और फायरिंग के बाद उनके पास ग्रेनेड हो या भारी हथियारों का जखीरा न हो, ऐसे में ऑपरेशन की जो बाकी टीम थी उनको ऑर्डर आया कि वो ऊपर ना जाए, वो वापिस आ जाए, लेकिन जो घायल जवान थे वहीं पर रहे। उसके बाद आतंकी वहां से भाग गए। घने जंगलों का अक्सर वो सहारा लेते हैं, पहले फायरिंग करते हैं, मौके से भाग जाते हैं, फिर बाकी जो जवान थे उन्होंने अभी साथी जवानों के पास गए, और जिसमें ये जख्मी जो हालत में उनको लाया गया, दो जो शहीद हुए हैं, दो की हालत गंभीर है। और ये बताया जा रहा है कि आतंकी जो है उस इलाके में उस समय ढोक में दो आतंकी छुपे थे, लेकिन इलाके में और भी आतंकी हो सकते हैं, ऐसी खबर है। शुक्रिया कोमल फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि किश्तवाड़ में यहां पर मुठभेड़ में सेना के दो जवान शहीद हो गए हैं, दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।